हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है या किसी भी जीव में जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन के संपूर्ण घटनाक्रम को तीन भागों में विभक्त किया था। पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा जो है वो है निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। निषेचन पूर्व घटना इसमें दो बातें होती हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पुष्पी पादपों के जनन अंगों की संरचना और उनमें नर युग्मक लघु बीजाणु, मादा युग्मक गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज हम युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लैंगिक जनन के लिए सबसे जरूरी है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलकर निषेचन करना। इसके लिए दोनों नर युग्मकों को मिलना जरूरी होता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग ऑर्गन्स में काफी दूरी पर बनते हैं। जैसे पुष्प के अंदर हम बात करें तो नर युग्मक जो होता है वो पराग कणों के रूप में पुष्प के पराग कोश में बनता है। ये पुंकेसर है, ये पराग कोश है, यहां पराग कण बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। जबकि जो मादा युग्मक है वो स्त्री केसर का जो अंडाशय है निचला वाला युग्मक, इस अंडाशय में बीजांड होता है और उस बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है एम्ब्रियो सेक, उसके अंदर अंड कोशी का मादा युग्मक बनता है। अब आप देखिए, नर युग्मक यहाँ है, मादा युग्मक यहाँ है, दोनों बीच में गैप है, फिर बीच में ऊतक है, यहां से यहां तक पहुंचना है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं। तो युग्मक स्थानांतरण जो पुष्पी पादपों में होता है उसमें भी दो घटनाएं होती है। क्यों? पुष्पी पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अगतिशील है, दोनों ही नॉन मोटाइल है, ना तो नर युग्मक के स्वयं में गति करने की क्षमता होती है ना मादा युग्मक में। फिर भी नर युग्मक को ही मादा युग्मक के पास पहुंचना पड़ता है और इसके लिए पुष्पी पादपों में दो क्रियाएं, दो घटनाएं संपन्न होती है। सबसे पहला है परागण या पॉलिनेशन, परागण या पॉलिनेशन, और दूसरा है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। इन दोनों टॉपिकों को मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। आज परागण की बात करें, परागण का तात्पर्य क्या है पहले ये बता देता हूं। देखिए, पराग कण यहां बनते हैं पराग कोश में और ये स्त्री केसर है, तो यहां पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया कहां से कहां तक? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक। कौन पहुंच रहा है? पराग। पराग कोश से स्त्री केसर तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहा जाता है। और ये परागण जो होता है वो दो प्रकार का, स्वपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इनकी बात करें, स्वपरागण से मतलब क्या है तो ध्यान दीजिए, डायग्राम में ये चित्र बनाया हुआ है। ये एक ही पौधा है और एक पौधे के दो पुष्प हैं, मींस ये एक ही पेरेंट्स है, एक ही जनक है। तो ध्यान दो, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में अथवा एक पौधे के दो पुष्पों में होने वाला परागण, एक ही पुष्प में होने वाला परागण अथवा एक पौधे के दो पुष्पों में होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। जबकि दो अलग अलग पौधों के पुष्पों में होने वाला परागण परपरागण।
स्वयं परागण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है ऑटोगेमी, स्वक युग्मन या ऑटोगेमी। इसका तात्पर्य क्या है? जब परागकण अपने ही पुष्पकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, परागित होते हैं, एक ही पुष्प होगा, द्विलिंगी पुष्प में होता है मोस्ट, जब पुष्प के परागकण अपने ही पुष्पकी वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो इसे कहा जाता है ऑटोगेमी, स्वक युग्मन। और जब एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में ये परागण होता है तो इसको कहा जाता है सजात पुष्पी परागण या गैटिनोगी, सजात पुष्पी परागण या गैटिनोगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट के अंदर, क्योंकि ये जो गैटिनोगेमी है वो स्वपरागण भी है और परपरागण भी है। स्वपरागण कब है और परपरागण कब है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दो। आनुवांशिक दृष्टि से जेनेटिकली, क्योंकि ये एक ही पौधा है, एक ही जनक है और इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच रहे हैं, इसलिए ये जेनेटिकली आनुवांशिक दृष्टि से स्वपरागण है। किंतु क्रियात्मक दृष्टि से यहाँ के परागकण यहाँ पहुंचेंगे तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचेंगे, इस आधार पर ये परपरागण। गैटिनोगेमी पर दो क्वेश्चन, कब तो स्वपरागण कब ये परपरागण। आनुवांशिक दृष्टि से ये स्वपरागण है और क्रियात्मक दृष्टि से ये परपरागण। अब बात करें परपरागण की, दो पौधों के पुष्पों के बीच में होने वाला परागण परपरागण कहलाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहला एलोगेमी, सजातीय परपरागण, मतलब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण। जाति एक ही होनी चाहिए, जैसे सरसों के पुष्प के परागण सरसों के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचे दो पौधों के बीच, तो ये कहलाएगा सजातीय परपरागण एलोगेमी। दूसरा है विजातीय परपरागण या जीनोगेमी, इसमें एक जाति के परागकण दूसरी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जैसे सरसों के परागकण मूली के पुष्प पर अथवा सरसों के परागकण टमाटर के पुष्प पर जाकर स्थानांतरित हो जाए तो इसे जीनोगेमी परागण है। परागण तो हो रहा है लेकिन इसमें परागण ही होता है, आगे की घटनाएं ये वाली जो घटना है पराग स्त्री के साथ परस्पर क्रिया ये नहीं होती, जीनोगेमी केवल परागण होता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। जब पराग कण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अगर पुष्प सजातीय है तब ये पराग स्त्री के साथ परस्पर क्रिया होती है, सजातीय होने पर, एक ही जाति के होने पर, क्योंकि ये क्रिया जाति विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसमें चार घटनाएं होती हैं। पराग कण जब पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो पराग कण की जो बाह्य चोर होती है उसके एंजाइम प्रोटीन्स और वर्तिकाग्र से स्त्रावित होने वाले एंजाइम आपस में क्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पराग कण की जो बाह्य चोर है उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जनन छिद्र, उनमें से पराग नलिका अंकुरित होकर बाहर निकलती है, इसी को कहते हैं परागकण अंकुरण। अब ये जो पराग नलिका बाहर निकली है परागकण से, वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में होती हुई बीजांड की ओर वृद्धि करती हुई गति करती है, इसकी दिशा निर्धारित बीजांड की ओर ही जाएगी, इसको बोलते हैं रसायन अनुचलन गति। रसायन अनुचलन गति, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन अनुचलन गति का उदाहरण है। उसके बाद पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है लेकिन पहुंचेगी कहां, बीजांड द्वार पर ही पहुंचेगी, और बीजांड द्वार पर पहुंचने के बाद ये पराग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश करती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भ्रूण कोष के अंदर दो सहायक कोशिकाएं होती है बीजांड द्वार की तरफ, और उन सहायक कोशिकाओं से तंतु रूपी समुच्चय बाहर निकले रहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, उन्हीं के द्वारा ये पराग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश कर पाती है। इतनी बातें मैंने आपको बताया। अगली वीडियो के अंदर मैं स्वपरागण और परपरागण में कौन बेस्ट है, इसके लिए पुष्पों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, परपरागण साधनों के आधार पर कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको बताऊं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में जाते हैं, ठीक है। एक चीज, अगला वीडियो में आपको ये सारी चीज बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सुनिए।
ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझने से पहले, वीडियो देखने से पहले, आप पीडीएफ फाइल को ढंग से पढ़ें, उसको नोट्स को आप अपनी नोटबुक में उतारें, उसी के बाद आप वीडियोस देखें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप दूसरे नंबर और लिख लीजिए, 95 लिख लो, 9588212050, 95 88 21 20 50, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।